परेशान हो गई हूँ छवि अपने बालों से, इतना बेकार मेरे बाल लगते हैं, ना शाइन है ना हेयर का टेक्सचर अच्छा है, और मैं क्या ही कराऊँ। पार्लर में जा कर के केराटीन ट्रीटमेंट कराने का तो भैया उतनी अभी मेरी क्षमता नहीं है कि 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 रुपये केराटीन ट्रीटमेंट में कराऊँ, या बुटॉक्स जा कर के हेयर का करा लूँ, इतना अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, या फिर अफोर्ड कर भी सकती हूँ तो बट इतना टाइम नहीं है। तो मैं क्या करूँ जिससे मेरे बाल जो ये गिरते हैं झड़ते हैं उसमें थोड़ी कमी भी आ जाए। भैया एक बार में तो मैजिक नहीं होगा, तो थोड़ी कमी आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, साथ ही साथ जो मेरे झाड़ू जैसे बाल हैं, बेरौनक से बाल हैं, उसमें नई जान आ जाए, और ग्रोथ जो है, जो हेयर जो है एकदम से ग्रोथ होना बंद हो गया है, वो ग्रोथ की परेशानी जो है एकदम से खत्म हो जाए, बाल में ग्रोथ बहुत ज़्यादा। तो भाई आपकी बात को मैं तहे दिल से समझती हूँ और आज इस वीडियो को लेकर के आई हूँ। तो भाई आज का वीडियो देखना तो 100% मस्ट है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप के अच्छे होंगे, और दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल छवि अश्विनी कुमार में, और मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। फर्स्ट टाइम उसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दे, बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दे, उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। जब भी बेल आइकॉन को क्लिक करें तो ऑल के ऊपर क्लिक करें, ऑल के ऊपर क्लिक करने के फायदे ये हैं कि मेरे शॉर्ट्स के भी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। दोस्तों वैसे टाइटल और थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया है कि आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा हेयर मास्क जिसको जब आप लगाते हो और अपने बाल को जब वॉश करते हो और उसके बाद आपको आपके बाल को देख करके ना एकदम कमाल का खुशी होने वाली है, गजब की खुशी होने वाली है। तो सुपर से ऊपर वाले पैक को बनाने में देर नहीं करते। इस पैक को बनाने के लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको चाहिए, जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है आपको, सबसे पहले एक ले लेना है पैन, ठीक है, एक पैन ले लें, और पैन के अंदर जो है जो मैं आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट बता रही हूँ वो आपको ऐड करना है, और वो ऐड करना है आपको 6 स्पून बीटरूट पाउडर। अगर आपके पास बीटरूट पाउडर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास बीटरूट पाउडर नहीं है तो आप बीटरूट का जूस भी ले सकते हो, यानी कि बीटरूट जूस भी ले सकते हो आप अपने हेयर लेंथ के हिसाब से। बट अगर आप पाउडर लेते हो तो 6 स्पून लेना है आपको बीटरूट पाउडर। आपके बाल को नरिश करेगा, आपके बाल को रीग्रोथ, आपके बाल में जो रुक गई है उसकी परेशानी को दूर करेगा, आपके बालों की झड़ने की परेशानी को दूर करेगा, आपके बालों में एक नेचुरल जो है ना वो कलर लाएगा। वो परमानेंट कलर तो नहीं होगा, बट जब आप कम से कम 8 दिन 10 दिन तक वो कलर आपके बालों में रहेगा और आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे, यकीन करें आपके बाल बहुत खूबसूरत दिखेंगे। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, बीटरूट पाउडर 6 स्पून, ओके। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो ऐड करना है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी के अंदर होता है कैफीन जो हमारे स्किन और हेयर दोनों के लिए कमाल होता है, और कॉफ़ी पाउडर भी आपको ले लेना है 6 स्पून। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो ऐड करना है चाय पत्ती। चाहे आप किसी भी ब्रांड का चाय पत्ती क्यों ना पी रहे हो, वो चाय पत्ती आपको इसके अंदर ऐड कर देना है 3 स्पून, मतलब ब्लैक टी जो होता है ना वो आपको कितना ऐड करना है, 3 चम्मच के करीब में ब्लैक टी आपको ऐड करना है। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है आपको मुल्तानी मिट्टी। या मुल्तानी मिट्टी मैं इसलिए पैक में बताती हूँ क्योंकि हमारे हेयर के लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल होता है दोस्तों, कमाल का होता है। आप अपने लेंथ के हिसाब से मुल्तानी मिट्टी ले लीजिएगा, जितना आपका हेयर लेंथ है उसके हिसाब से मुल्तानी मिट्टी ले लीजिएगा। बट अगर आप मुझसे पूछते हो तो मुझे तो 6 स्पून के करीब में मुल्तानी मिट्टी ले लेती हूँ तो हो जाता है, ठीक है। तो 6 स्पून मुल्तानी मिट्टी भी आपको इसके अंदर डाल देना है। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो ऐड करना है कोकोनट ऑयल, और कोकोनट ऑयल आपको ले लेना है 2 स्पून के लिए, तकरीबन 2 स्पून, और वो आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। अब अगर आप पाउडर लेते हो तो आप भाई मिक्स किसके साथ करें, तो मिक्स आप कर सकते हो दही के साथ, ठीक है, दही ले लें और उसको अच्छे से दही के साथ इसको मिक्स कर दें। और अगर आप जूस लेते हो, बीटरूट जूस लेते हो, तब तो आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप बीटरूट जूस लेते हो तो भी आप चाहें तो दही का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस पैक को घोल करके ना कम से कम 3 घंटे के लिए रख दें, अच्छे से कवर करके अच्छे से रख दें। ओवरनाइट अगर रख देते हो तब तो और भी अच्छा है। सुबह में जब आपको शैम्पू करने जाना हो उसके 1 घंटे पहले जो है इसको अपने पूरे बाल में लगा लेना है, और उसके बाद जो है आपको जाके शैम्पू कर लेना है।
जहाँ आप शैम्पू करते हो आपके बाल आपके बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, बहुत शाइनी लगते हैं, कमाल के लगते हैं। अगर आप रात में नहीं बनाना चाहते हो, आप सोचते हो कि यार छवि अभी बनाऊंगी अभी तुरंत, तो नहीं, तुरंत तो बना के तुरंत नहीं लगाएं, लेकिन कम से कम एक घंटे जो है ना, कम से कम एक घंटे जो है कवर करके रख दें। और अगर आप इसको हफ्ते में एक बार लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हफ्ते में एक बार नहीं लगा सकते हो तो महीने में दो बार लगाते हैं तो भी चलता है, ठीक है। इसको लगाने के लिए बाल में ऑयल हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी अगर लगता है कुछ बताना रह गया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप ये पैक बनाते हो और अगर अपने हेयर में लगाते हो तो मेरे साथ DM में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।